नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। बिहार में शराबबंदी के बाद अब खैनी यानी कि कच्चा तंबाकू भी बैन करने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी। लेकिन आपको बता दें, इन खबरों के सामने आते ही बिहार में लोगों की चिंता भी बढ़ गई थी, क्योंकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी है और अब जो ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं उन लोगों के लिए चिंता बढ़नी ज़रूरी। और जब ये खबर सामने आई तो लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला। तो वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी सभी खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैनी पर प्रतिबंध लगाने की जो खबर है वो गलत है, ऐसा कोई योजना बिहार सरकार की नहीं है। आपको बता दें, सोमवार को लोक संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी सरकार की कोई योजना नहीं है, खैनी पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार जरूर खैनी से मुक्ति के लिए अभियान चलाएगी, जरूर लोगों को जागरूक करेगी खैनी सेहत के लिए कितनी खतरनाक चीज है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन किसानों के लिए भी चिंता जाहिर की जो किसान एक तरीके से तंबाकू की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान खैनी की खेती करते हैं उन्हें दूसरी फसलों की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि शराबबंदी में हुआ। शराबबंदी में जो लोग शराब का कारोबार करते थे उन लोगों को दूसरे कामों की ओर जोड़ा गया और उसके लिए सरकार कदम उठा रही है। वैसे ही जो लोग तंबाकू की खेती करते हैं उन किसानों को भी दूसरी फसलों की ओर मोड़ा जाएगा। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।